स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम राजस्थान एसआई में फिजिकल की तैयारी कौन करे, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही इसकी सूचना दे दी थी कि मैं आपकी कट ऑफ का एनालाइज कर रहा हूं और उसी एनालाइज के तहत कुछ अनुमानित आंकड़े आपको मैं रिप्रेजेंट करूंगा। मैं वापस रिपीट कर देना चाहूंगा, हमारे जो ये आंकड़े हैं ये अनुमानित है, एक अनुमान के आधार पर है, जिसमें हमने पिछली एसआई भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसके आंकड़े भी शामिल किए हैं। ये जो भी आंकड़े आपको बताए जाएंगे इनमें ऊपर नीचे हो सकता है, आप इन आंकड़ों के आधार पर अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हो। यहां एक बात और कहना चाहूंगा, जो बच्चे इस रेंज में नहीं आ रहे हैं उन्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपनी तैयारी जारी रखें। आगे भी कई परीक्षाएं होने वाली है, उसमें वो अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए दमदार प्रदर्शन करें। यदि हम राजस्थान एसआई 2016 और 2021 के बीच में तुलना करें तो इस बार का जो पेपर है थोड़ा सा हाई लेवल का था, मैं थोड़ा सा हाई लेवल का इसको मान के चल रहा हूं, इस कारण से हल्की सी मेरिट जंप कर सकती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि फिजिकल की तैयारी कौन करे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि राजस्थान एसआई 2016 में मेरिट कितनी रही थी। राजस्थान एसआई 2016 में जो जनरल है, ओबीसी है, एमबीसी है, उसमें 201 के आसपास रही थी। कुछ पॉइंट्स में आगे हो सकता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम एनालाइज कर रहे हैं। एससी की जो रही थी 161 रही थी और एसटी की जो रही थी 164 रही थी, और महिलाओं को, लगभग सारी महिलाओं को फिजिकल के लिए बुला लिया गया था जिनके एग्रीगेट 40% के आसपास मार्क्स थे। अब जो मेरिट रह सकती है राजस्थान एसआई 2021 में, उस पर गौर करें। एक तो फीमेल को, सभी को फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है जिनके एग्रीगेट 40% के आसपास मार्क्स है, और फीमेल इस बार बैठी भी कम है, कुछ कोरोना के कारण या अन्य कोई भी कारण हो सकते हैं। 50% फीमेल के बैठने की रिपोर्ट हमारे सामने आई है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कैंडिडेट के परीक्षा में बैठने या नहीं बैठने से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कोई बैठता नहीं है परीक्षा में, मेरा ऐसा मानना है उसकी तैयारी नहीं है, और जिसकी तैयारी है मुझे लगता है दुनिया जहान की कितनी भी समस्याएं उसके सामने आ जाए, सामान्यतः बात कर रहा हूं, वो पेपर देने जरूर आता है। खैर ये मेरे अपने विचार हैं। तो महिलाएं जो है वो फिजिकल की तैयारी के लिए तैयार हो सकती है। इसके अलावा यदि हम कहें कि मेल की कितनी रहेगी, जिसमें जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, इसकी 205 मेरिट रहने की संभावना है, 205। अब इसमें आप प्लस माइनस 5 कर सकते हो, प्लस माइनस 5 को लेकर आप चल सकते हो, इसके आसपास रहेगी। और जो एसटी है 170 के आसपास रहेगी, इसमें भी आप प्लस माइनस 5 अपने सेफ जोन के रूप में लेकर चल सकते हो, ऊपर नीचे हो सकता है। ये एससी की जो है ये 165 में के आसपास रहेगी और प्लस माइनस 5 इसमें कर सकते हो। तो आपके सामने है, यदि मैं जनरल की बात करूं, ओबीसी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं, एमबीसी की बात करूं, तो ये 205 के आसपास रहेगी, प्लस माइनस 5 ऊपर कर सकते हो आप। और जो एसटी है इसकी 170 प्लस माइनस ऊपर नीचे, एससी है 165 प्लस माइनस 5 इसके आसपास आप इसे लेकर देख सकते हो। तो ये एक अनुमानित आंकड़े मैंने आपके सामने एनालाइज के माध्यम से पेश किए हैं। हो सकता है करियर मेकिंग में कोई डिसीजन लेने के संबंध में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब मैं एनालाइज के बाद में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी को बिल्कुल भी कम ना करें। स्थितियां जो भी हो,
जैसे राजस्थान एसआई का पेपर आउट हो गया, नकल प्रकरण, अन्य कोई भी स्थितियां हो, मैं मान के चलता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है, होना नहीं चाहिए। जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके साथ बहुत ही गलत स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन ये प्रबंधन और प्रशासन की कमियां हैं जो मुझे लगता है हमेशा से चलती ही आ रही है। इन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन रणनीति यही कहती है आपकी तैयारी किसी भी मायने में बाधक नहीं होनी चाहिए। तो ये एनालाइज मैंने आपके सामने पेश किया है। अब मैं अपने संस्थान से संबंधित कुछ सूचना आपको देना चाहूंगा, न्यू बैचेस से संबंधित है। यदि आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसे देख सकते हो, नहीं तो आप जो वीडियो है इसको यहीं पर बंद कर दीजिए। मेरा एनालाइज था यही था। अब मैं अपने संस्थान से संबंधित आपको सूचना देने जा रहा हूं। न्यू बैचेस हम प्रारंभ कर रहे हैं 20 सितंबर 2021 से, मंडे से। आरएएस, एसएससी, रेलवे, पटवार, ग्राम सेवक, इससे संबंधित जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनमें जीके का पोर्शन कवर करवाया जाता है। हमारी दो ब्रांच है, मैसनगर और टोंक रोड। इसमें जो भी बैचे चलते हैं वो राउंडिंग बैच सिस्टम होते हैं। कहने का मतलब ये है आप जहां से भी स्टार्ट करोगे वहीं पर खत्म हो जाएगा। आपका पहला टॉपिक आपका अंतिम टॉपिक होगा। साधारण भाषा में कहूं तो हम बैचेस बंद नहीं करते हैं और डेमो का कोई प्रावधान नहीं है। डेमो नहीं चलता हमारे यहां पर। डिजिटल के इस युग में यदि डेमो की आपकी कोई डिमांड होती है तो यूट्यूब पे हमारे काफी चैनल है, आप वहां से हेल्प ले सकते हो। मेसनगर ब्रांच, टोंक रोड ब्रांच, इसमें यदि मैं आपसे कहूं तो 8-9 जो है करंट जीके और स्टैटिक जीके का पोर्शन चलता है। डेली का डेली आपको करंट कराया जाता है, स्टैटिक जीके से संबंधित बात होती है। आप जानते हो इस पोर्शन की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। सेम यही पोर्शन टोंक रोड पर 2-3 चलता है, सेम यही पोर्शन। इसके अलावा इंडियन आर्ट एंड कल्चर मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वर्तमान में यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। रेलवे के संबंध में, एसएससी के संबंध में, आरएएस में बकायदा इसका सिलेबस दिया गया है और अलग से हाईलाइट भी किया गया है इसको। इस संबंध में इंडियन आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास है 9-10 चलेगी। इसमें जो मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा भारतीय संगीत। भारतीय संगीत स्टार्ट होगा और यही क्लास यहां पर 3-4 चलेगी टोंक रोड पर। लेकिन टोंक रोड पर जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर की क्लास चलेगी उसमें स्थापत्य कला के तहत गुफाएं स्टार्ट होगी। भारत में जो गुफाएं होती है वो टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसमें आप कह सकते हो अजंता एलोरा की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, इसके अलावा एलिफेंटा की गुफाएं हो गई, वो सारी बातें यहां पर चलेगी। जनरल साइंस दोनों में नए सिरे से होगा। जो महेशनगर है 10-11 चलेगा और टोंक रोड पे 4-5 चलेगा। 11-1 महेशनगर में राजस्थान जीके और राजस्थान का करंट यहीं पर साथ में करवाया जाएगा, 2 घंटे की क्लास है। और इधर 5-7 ये राजस्थान जीके का पोर्शन रहेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप इसे देख सकते हो। इसके अलावा फी कितनी है, किस प्रकार से आपको एडमिशन लेना है, क्या क्या आपने साथ में लेके आना है, आधार कार्ड वगैरह जो भी है, क्या क्या सिस्टम रहेंगे, यदि आपको अन्य जानकारी लेनी हो तो मैं आपको कुछ नंबर उपलब्ध करवा रहा हूं, वहां से आप हेल्प ले सकते हो। कॉन्टेक्ट यहां करें 9782903538, यहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। 9783929576, यहां से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दो नंबर और है, 8005946214995006157 जिसपे भी आप कॉल करोगे वहां पर आपको आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी जाएगी। और ये सूचना मैंने आपको पहले ही दे दी थी कि अब हम अपने स्टडी मटेरियल में लगभग 30-40% नया कंटेंट ऐड करने जा रहे हैं। ये आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट के आधार पर है। तो दोस्तों मैंने कुछ सूचनाएं आपको उपलब्ध करवाई है, हो सकता है आपके लिए फायदेमंद हो।
मैं परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इजाजत दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।